घोड़े जैसी मर्दाना ताकत पानी है तो इस अद्भुत जड़ी बूटी का सेवन जरूर कीजिए। लगातार घोड़े जैसे ठोकते रहोगे, बीबी की चीखें निकलती रहेगी, पानी झड़ जाएगा बीबी का सारा। वेलकम दोस्तों, आपका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड, आज हम आपके लिए एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि लेकर आया हूँ जिसका उपयोग करने से घोड़े जैसी संभोग करने की ताकत आ जाएगी। घोड़े जैसी ताकत आएगी आपके हथियार में, आपका लिंग मजबूती से खड़ा रहेगा डालने के लिए बीबी के मशीन में, चीखें निकल जाएगी बीबी की, आपका हथियार इतना मजबूत होगा, ठोकते ठोकते थक जाओगे, पसीना निकल जाएगा, लेकिन आपका वीर्य नहीं झड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस अद्भुत आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जानें। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ध्यान से देख लो और पहचान लो इस अद्भुत जड़ी बूटी को। इस अद्भुत जड़ी बूटी को आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, खेत खलिहानों में, सड़क के किनारे, खाली पड़ी ज़मीनों पर यह आपको देखने को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। यह आपकी बीवी की चीखें निकालने की दवा है, आपके अंदर घोड़े जैसी मर्दाना ताकत ला देगा। ठोकते ठोकते थक जाओगे लेकिन आपका वीर्य झड़ने का नाम नहीं लेगा और आपका हथियार नहीं थकेगा ठुकाई कर करके, और वीर्य झड़ने का नाम नहीं लेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस अद्भुत औषधि के बारे में जानें। तो ध्यान से देख लो और पहचान लो इस अद्भुत जड़ी बूटी को। इस अद्भुत जड़ी बूटी को आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा, खेत खलिहानों में, सड़क के किनारे, खाली पड़ी ज़मीनों पर यह आपको देखने को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। यह चौलाई की फली है, आप अच्छी तरीके से देख लीजिए यह फली को। आपको मैं चौलाई के पौधे को भी दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए और पहचान लीजिए। इस प्रकार से जंगली चौलाई का पौधा है यह। इसके बीज आपके वीर्य को गोंद से भी ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे और आपके बीबी का पानी निकालने की सबसे फायदेमंद एवं आयुर्वेदिक औषधि है। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यह आजीवन के लिए आपके संभोग करने की टाइमिंग को बढ़ाएगा। जिन लोगों ने ज़्यादा हस्तमैथुन किया है, जिसके कारण अपनी मर्दाना ताकत को खो चुके हैं, तो इस अद्भुत जड़ी बूटी का उपयोग कर लो, आपका वीर्य गोंद से भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और आपके लिंग की टूटी हुई नसें, अगर आपने ज़्यादा हस्तमैथुन किया है जिसके कारण आपका वीर्य पतला हो चुका है, आपके लिंग में कमजोरी आ गई है, आपका लिंग की नसें टूट चुकी हैं, आपके लिंग की नसें दब गई हैं, तो इस अद्भुत औषधि का सेवन मात्र करने भर से आपके लिंग की दबी हुई नसें फूल जाएंगी और ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होने लगेगा। तो इससे आपका लिंग, आपका हथियार मजबूती से खड़ा रहेगा आपके बीबी का पानी निकालने के लिए। तो सबसे पहले आपको इस चौलाई की फलियों को लेना है। अगर आपके आसपास यह चौलाई का पौधा नहीं है तो आप चौलाई के फली को बहुत ही आसानी से, इसके बीजों को आयुर्वेदिक स्टोर से ले सकते हैं। आपको इसके बीजों को लेना है, अच्छी तरीके से इसके बीज को पीसकर, बिल्कुल बारीक तरीके से पीसकर इसका पाउडर तैयार कर लें। इसका पाउडर तैयार करने के बाद आपको प्रतिदिन सुबह शाम दोनों टाइम प्रतिदिन दूध में मिलाकर एक चम्मच गर्म करें और इसका मिश्री मिलाकर इसका सेवन कर लें। मात्र 10 दिनों तक सेवन कर लो, आपका वीर्य गोंद से भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, संभोग करने की क्षमता को बढ़ाएगा। अगर आपके शरीर में कमजोरी है, थकान है, आपके शरीर में हड्डियों में दर्द है, आप थोड़ा सा भी काम करते हैं आपकी थकान आ जाती है, तो इस अद्भुत औषधि का उपयोग करने से आपके शरीर में आई हुई सालों साल की थकान, सालों साल की कमजोरी और इम्यूनिटी सिस्टम की कमजोरी को यह दूर करेगा। यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाता है। अगर आप बहुत ही जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, आपको तरह तरह की बीमारियां जल्दी लग जाती हैं, तो इसका उपयोग करने से आप जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेंगे।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिलेटिव में शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।